मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य बाला बच्चन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल जो कि सभी विधायकों से हमने किया है, साधना न्यूज़ ने किया है, कि क्षेत्र के विकास की स्थिति क्या है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं में बाला बच्चन जी की गिनती होती है। और अब जो कांग्रेस के विधायक अब तक जिनसे भी हमने बात की है, तो कहीं ना कहीं बात यही आती है कि सरकार का सपोर्ट, अधिकारियों का सपोर्ट कांग्रेस विधायकों को नहीं मिलता है और क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ी अड़चन है। बाला बच्चन जी से उस सवाल का जवाब भी लेना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले जो वो करा पाए हैं वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विधायक किसी भी पार्टी का हो, जनता सबसे पहले सवाल विकास का ही करती है, तो जनता का सबसे पहला सवाल है विकास का। बाला बच्चन जी, कितना विकास क्षेत्र में हुआ? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई, तब से वो 2003 के बाद से मुझे नहीं लगता हम लोगों की विधानसभा में, हमारे ज़िले में तो कोई विकास हुआ नहीं है। सड़कों का काम इनकम्प्लीट है, उसके बाद बिजली के काम है, तालाब है, डैम है, अगर कहीं डैम बन गए तो उनकी नहरें नहीं है, नहरें बनी है तो घटिया किस्म की बनी है। तो बुनियादी काम और मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को जो मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी मुख्यमंत्री सड़क योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की थी, सब बंद हो गई है और कहीं किसी भी योजनाओं में कोई पैसा नहीं है, इसलिए लोग बहुत परेशान हो गए और तंग आ गए समस्याओं से। बिल्कुल, अगर प्रस्तावों की बात करें, ऐसे कुछ प्रस्तावों का उल्लेख आप कर पाएंगे जो आपने दिए लेकिन वो काम नहीं हुए, सरकार की तरफ से उसमें हीला हवाली हुई? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी सड़कें ऐसी है जिनके काम अभी तक नहीं हुआ। जैसे बड़वानी जिले की एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है जिसको MDR बोलते हैं, जिला मुख्यालय से वो जोड़ेगी ठिकरी को, ठिकरी जो NH3 है, नेशनल हाईवे, उसको जोड़ना है, आज तक उसका काम नहीं हुआ है। मतलब बड़ा काम है और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है जिले की, ऐसे बहुत सारी सड़कें और गांव खेड़ों की सड़कों की और गांव खेड़ों की जो मूलभूत सुविधाओं की हम बात करें तो वहाँ जो मिलना चाहिए, होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। बाकी का काम कुछ थोड़ी बहुत राशि आती भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपने जो विकास के बारे में जो बहुत अच्छा मुद्दा और बहुत अच्छा सवाल मुझसे आपने किया है, बड़वानी ज़िले में अभी 6 महीने पहले तक केवल अकेले बड़वानी ज़िले में 18,000 काम इनकम्प्लीट है, 18,000। जब UPA 1 और 2 की जो सरकार थी तो ग्राम पंचायतों में कई एक एक ग्राम पंचायत पर कहीं 50 तो 60 तो 100 काम ऐसे सेंक्शन हुए थे, और ऐसे काम सेंक्शन हो चुके, स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन जैसे UPA 2 की जो सरकार गई उसके बाद से फंड और पैसा आना ही बंद हो गया। तो 18,000 काम केवल एक बड़वानी ज़िले में, जो कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, पहले खूब फंड आता था, फंड की कमी के कारण सब अधूरे काम पड़े हैं। पुल पुलिया हैं, सड़कें हैं, बिजली है, नहरों का काम है, और सब इनकम्प्लीट है, सब कुछ अधूरा है। इस अधूरा को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस को सत्ता में आना है। कितना जोर कांग्रेस लगा रही है और चित्रकूट से कितनी एनर्जी मिली? नहीं, चित्रकूट से बहुत एनर्जी मिली और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों ने भी ठान लिया है, लोगों ने इस बात का संकल्प ले लिया है कि अब भाजपा को हमको नहीं आने देना है। ये चित्रकूट के चुनावी परिणाम ये हम लोगों को संदेश और मैसेज देते हैं कि अब लोगों ने ये संकल्प इस बात का लिया कि अब BJP को हमको मध्य प्रदेश में 4 टाइम नहीं आने देना है। अब जो भी आगे चुनाव आएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब चुनाव कांग्रेस जीतेगी, सारे चुनाव, यानी कि जो 2 उपचुनाव सामने हैं, मुगावली और कोलारस, वो भी कांग्रेस को ही जीतना है, चूँकि सीट भी कांग्रेस की रही है। मेरी बात याद रखना, हम दोनों चुनाव जीतेंगे, दोनों कांग्रेस की सीटें हैं, आदरणीय कालू खेड़ा जी की और आदरणीय हमारे राम सिंह यादव जी की, जो आज हमारे बीच में जो नहीं रहे हैं, दिवंगत हो गए हैं। अब जो चुनाव जब भी होंगे, हम दोनों सीट को कांग्रेस जीतेगी। और लोगों ने ये मन बना लिया है कि अब पेट भर गया है झूठ सुनते, झूठ की भी हद होती है और उसकी भी एक सीमा होती है, केवल झूठ बोलते, मिलता कुछ नहीं। सब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि सर्वहारा वर्ग मध्य प्रदेश का तंग आ चुका है। लेकिन जो BJP इस बात को लेकर हमेशा तंज कसती है कि कांग्रेस में तो ये तय ही नहीं है कि दूल्हा कौन है, तो सहरा किसके सर पर बांधें, वो चेहरे को लेकर हमेशा सवाल खड़े करते हैं। नहीं, ये कांग्रेस में कभी भी नहीं रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद भी देश आज़ादी के बाद से लगाकर 2003 तक कई बार तक और लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है, देश में कांग्रेस की सरकार रही, तो कांग्रेस पार्टी में कभी ये तय नहीं होता है कि ये CM होगा या CM के लिए प्रोजेक्ट किया जाता है। वो मेजोरिटी में आने के बाद, बहुमत में आने के बाद विधायकों की राय से और हाईकमान की राय से तय किया जाता है। तो ये कांग्रेस की परिपाटी है और ये कभी नहीं होता है कि प्रोजेक्ट किया जाए, कि डिक्लेयर कर दिया जाए, कभी नहीं होता है। बिल्कुल, लेकिन कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम ले रहे हैं, तो ये जो नाम लेना शुरू हुआ है,
क्या ये एक नई परंपरा की तरफ भी इशारा करता है कि कांग्रेस कुछ ऐसा विचार कर सकती है, राहुल जी सोनिया जी ऐसा कोई विचार मध्य प्रदेश के लिए कर सकते हैं? देखिए श्री जो राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी की जानकारी में मध्य प्रदेश के सारे नेता उनकी जानकारी में हैं और सब चीज़ें सब वो जानते हैं, तो जो जैसा तय करना होगा वो हो जाएगा। लेकिन पूरी पार्टी मिल के, ये हमारे वरिष्ठ नेता है आदरणीय कमलनाथ साहब, दिग्विजय सिंह जी, सिंधिया जी, उसके बाद आते हैं पचौरी जी, भूरिया जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी, उसके बाद के और भी सब नेता, ये सब मिल के लिस्ट फाइनल करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अब लगभग 150 से भी ज़्यादा विधायकों की सीट जीत के लाएगी और फिर सब विधायकों की सर्वानुमति से और कांग्रेस पार्टी के हाईकमान की राय के मुताबिक मध्य प्रदेश के नेता का सरकार में आने के बाद चयन होगा। वो परिपार्टी है, परंपरा है कांग्रेस की, उसी का पालन किया जाएगा फिर आगे भी। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह जी की एक यात्रा है, धार्मिक विशुद्ध रूप से उनकी यात्रा बताई जा रही है, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, राजनीति में प्रदेश से लेकर देश तक नाम है, उनकी यात्रा में जो लोग आ रहे हैं वो एक राजनीतिक माहौल जरूर खड़ा होते दिख रहा है। क्या ये जो धार्मिक यात्रा है वो राजनीतिक माइलेज कांग्रेस को दे रही है? नहीं देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 8 दिन से मेरे ज़िले बड़वानी ज़िले में ही उनकी यात्रा चल रही थी। कल रात को ही 8 बजे हमने उनको महाराष्ट्र के रानीपुरा में छोड़ा है और मैं भी रात को 8 बजे उनको वहाँ से विदाई करने के बाद आया हूँ। और अभी विधानसभा की लोक लेखा कमेटी की बैठक थी, लोक लेखा समिति की, तो उसमें मैं पहुँचा हूँ। मतलब बहुत बड़ी तादाद में लोग आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, हजारों की संख्या में, और 8 से 10 दिन तक बड़वानी जिले से निकली और मैं पूरे समय उनके साथ में चला हूँ, तो मैंने जोश और उत्साह लोगों का देखा है और बड़ी संख्या में लोगों की संख्या मैंने देखी है, तो काफ़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। और वाकई में ये जो नर्मदा यात्रा तो पैदल ही की जाती है, तो उसका पूरा पूरा पालन आदरणीय हमारे दिग्विजय सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है, पर ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में इस यात्रा को लेकर। बिल्कुल, तो लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है इस यात्रा को लेकर। उत्साह के दो माहौल जो बाला बच्चन जी ने उल्लेख किया, एक चित्रकूट का, चित्रकूट से उत्साह है, दूसरा दिग्विजय सिंह जी की यात्रा है। और उसके अलावा जिस तरह से रिचार्ज कांग्रेस इस वक्त दिख रही है, चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरफ से देख लें, चाहे कमलनाथ जी की तरफ से देख लें, वो रिचार्ज कांग्रेस को और कितना लाभ दिलाएगा। जो दावा बाला बच्चन जी ने किया है कि आने वाले 2 उपचुनाव भी कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, अगर ये दावा सच होता है तो निश्चित तौर पर 2018 के लिए मध्य प्रदेश में अभी से ही माहौल तैयार हो जाएगा। कैमरामैन रिजवान के साथ हित किशोर शर्मा।